The question is, find the value of the following, which is cos inverse cos 13 pi upon 6. And the second question is, tan inverse tan 7 pi upon 6. So let's see how we are going to solve the given problem. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेता हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू नोट द प्रॉब्लम, विच इज कॉस इनवर्स, दैट इज कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए. द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, वाई इज योर कॉस इनवर्स कॉस एक्स. सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स, बट द रेस्ट्रिक्शन इज एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई. मतलब आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स फंक्शन को डायरेक्टली एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं. इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, बट द लिमिट इज बिटवीन जीरो टू पाई. मतलब अगर आपका इनपुट जीरो और पाई के बिटवीन है, तब तो आप इसे एक्स लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको फर्दर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. तो आपको देखना होगा कि जो एंगल आपको प्रोवाइडेड है, विच इज 13 पाई बाई 6, ये जो एंगल है, ये ऑलरेडी आपका, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, तो ये एंगल ऑलरेडी आपका 2 पाई से ज्यादा है. तो मैं अभी तो डायरेक्टली इसे 13 पाई बाई 6 से रिप्लेस नहीं कर सकता. तो चलिए इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं. और हम लोग ये करने जा रहे हैं कि ये जो कॉस 13 पाई बाई 6 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्रॉपर्टी है कि कॉस 360 प्लस थीटा की अगर बात करें, कॉस 360 प्लस थीटा की बात करें, तो ये सिंपली कॉस थीटा के बराबर होता है. मतलब अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6. कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6. अब आप देख सकते हैं कि जिस एंगल पे आप स्टडी कर रहे हैं, ये जो एंगल है, ये ऑलरेडी जीरो और पाई के बिटवीन लाई कर रहा है. और इनकेस अगर ये एंगल जीरो और पाई के बिटवीन लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाई 6 से. तो फाइनली द आंसर ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज पाई अपॉन 6. चलिए अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं. आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो आपके पास है टेन इनवर्स, दैट इज टेंजेंट ऑफ 7, टेंजेंट ऑफ 7 पाई अपॉन 6. तो ये प्रॉब्लम है जिसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब फिर से मैं एक और प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि टेन इनवर्स 10x, ये जो फंक्शन है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू x, बट द रेस्ट्रिक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन पाई बाई 2. मतलब x अगर आपके माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बिटवीन है, तब तो आप इसे डायरेक्टली x से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फर्दर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना ही होगा. अब आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है, वो है आपके पास टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ सेवन पाई बाई 6. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं टेन इनवर्स, दैट इज टेंजेंट ऑफ दिस इज पाई प्लस पाई बाई 6 के. अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने स्टडी किया होगा कि टेन 180 प्लस थीटा की अगर बात करें, तो ये आपका टेन ऑफ पाई बाई 6 के बराबर होता है. मतलब आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 6 से. अब क्योंकि ये जो एंगल है, विच इज और पाई बाई 6, अब ये आपका माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है. और इनकेस अगर ये ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अब आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाई 6 से. तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था, वो भी आपका पाई बाई 6 है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको पाई बाई 6 ही मिल रहा है.